फेमिनिस्ट न्यूज लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भीषण सड़क हादसे में एक पुरुष 7 जख्मी। हुड़केश्वर आउटर रिंग रोड पर रविवार सुबह 6:30 बजे के दौरान हुए एक सड़क हादसे में मजदूरों से भरा ट्रक एक कार से टकरा गया। इस टक्कर में एक मजदूर ने जगह पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। कार चालक भी हादसे में गंभीर जख्मी हो गया है। सभी जख्मी को मेडिकल में भर्ती कराया गया है। मोबाइल ने ली जान। मोबाइल फोन को लेकर भाई बहन के बीच हुए विवाद में बहन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। श्याम नगर निवासी 19 वर्षीय साक्षी जम्बुवतराव शेंदेकर अपने भाई का मोबाइल इस्तेमाल करती थी, लेकिन शनिवार को भाई ने फोन देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दोनों में विवाद हो गया और तेश में आकर साक्षी ने जहर खा लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वही कन्हान अपराध शाखा टीम ने कल पेट्रोलिंग के दौरान कादरी क्षेत्र में एक दिव्यांग बालक से देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस को वेकोली JN अस्पताल के गेट के पास एक दिव्यांग बालक के देसी कट्टा लेकर घूमने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर बालक को अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी तलाशी लेने पर एक हैंडमेड देसी कट्टा बरामद किया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।